दोस्तों व्हाट्सएप में एक नया अपडेट आया है जो यूज़फुल अपडेट है सभी व्हाट्सएप यूज़र के लिए। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप में वो नया अपडेट क्या है तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पर भी हो सके शेयर करना ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन में बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, व्हाट्सएप न्यू अपडेट, ये छोटा सा कमेंट लिख कर सेंड कर देना। दोस्तों आज इस वीडियो में व्हाट्सएप में एक नया अपडेट के बारे में बताऊंगा। अगर व्हाट्सएप ओपन करोगे और यहां से किसी भी इंडिविजुअल चैट ओपन करती हो और यहां पर नीचे देखिए ऑप्शन है अटैचमेंट, अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करना, नीचे देखिए ऑप्शन है पोल और व्हाट्सएप में ये नया अपडेट है पोल। अगर आपके व्हाट्सएप में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है कैसे आपके व्हाट्सएप में ये नया फीचर आएगा वीडियो के आखिर में बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ से किसी भी इंडिविजुअल चैट में पोल क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो ग्रुप में भी पोल क्रिएट कर सकते हो, अगर आप किसी ग्रुप में एडमिन हो या फिर मेंबर हो दोनों ही केस में पोल क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रुप है YT फ्रेंड्स और यहाँ पर ये ग्रुप में ओपन करूँगा और ये अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करना, नीचे देखिए ऑप्शन है पोल, पोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप पोल क्रिएट करना चाहती हो वो क्वेश्चन यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पर पोल क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर मैं सवाल एंटर करूँगा और यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन, और जो भी ऑप्शन ऐड करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन ऐड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड करता हूँ देखिए, और यहाँ पर आप मैक्सिमम 12 ऑप्शन ऐड कर सकते हो, तकरीबन 12 ऑप्शन ऐड कर सकती हो। यहाँ पर देखिए मैं ये सारे ऑप्शन ऐड करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शंस ऐड करना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो अपने पोल में क्रिएट करके, ठीक है। और ये देखिए, और यहाँ से मैं और एक आंसर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन 12 आप यहाँ पर ऑप्शंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस ऐड करने के बाद ये सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे आप यहाँ पर सेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए पोल क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर देखिए और एक व्हाट्सएप में, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये चैट ओपन करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर देखिए पोल क्रिएट हो चुका है ये वाले व्हाट्सएप में देखिए। और यहाँ से जो भी आंसर होगा, ठीक है, देखिए मैं ये वाले व्हाट्सएप से आंसर करता हूँ, ठीक है, वोट करता हूँ और यहाँ पर मैंने ये वोट किया और यहाँ पर देखिए प्रोफाइल डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकती हूँ। और एक व्हाट्सएप से यहाँ पर देखिए मैं वोट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये व्हाट्सएप देखिए ओपन करता हूँ और ये वाले व्हाट्सएप में भी मैं आंसर करूँगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये पोल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर देखिए रिप्ले भी आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हो किस बंदे ने यहाँ पर वोट किया है और कौन से आंसर में ये रिप्ले किया है, ठीक है, नीचे ऑप्शन देखिए व्यू वोट, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ पर वोटिंग किसने किया है और कौन से आंसर में ये वोट किया देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से आप यहाँ से वोट देख सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रुप में आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। अगर आप किसी इंडिविजुअल चैट में वोट क्रिएट करना चाहते हो वो चैट ओपन करना है, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करना है, फिर नीचे आइए पोल ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका सवाल है यहाँ पर सवाल एंटर कीजिए, फिर यहाँ से ऑप्शन में आना है, ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। जैसे ये ऑप्शन मैं ऐड करूँगा और एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, मैक्सिमम आप यहाँ से 12 ऑप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर यह सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे सेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये देखिए पोल क्रिएट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक इंडिविजुअल चैट में ये पोल क्रिएट हुआ है, वही सेम प्रोसेस है, वो यहाँ से आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए आंसर हुआ व्यू वोट, इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आंसर क्या हुआ और किसने आंसर किया है कौन से ऑप्शन पे, ये देखिए डेली और यहाँ पर प्रोफाइल देख सकती हो। अगर आप चाहो यहाँ पर पोल को हटा भी सकती हो, एवरीवन यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, जैसे होल्ड करोगे, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करना है, ये डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिलीट फॉर एवरीवन यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए पोल डिलीट हो चुका है, ठीक है। वही आप ग्रुप से भी ये पोल डिलीट कर सकती हो, इस तरीके से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डिलीट फॉर एवरीवन यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर देखिए ये डिलीट
हो चुका है। तो व्हाट्सएप में बड़ी आसानी से पोल क्रिएट कर सकती हो, इंडिविजुअल चैट में हो या फिर ग्रुप्स में, अगर आप एडमिन हो या फिर मेंबर हो, दोनों ही केस में पोल क्रिएट कर पाओगे और आपका जो भी सवाल है उसमें आप देख सकते हो आपके फ्रेंड वो क्या रिप्लाई करते हैं, कौन सा आंसर चूज़ करते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है उस रिलेटेड आप कोई भी पोल क्रिएट कीजिए। अगर आपके व्हाट्सएप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है पोल, ये बीटा यूज़र के लिए है। अगर आप व्हाट्सएप बीटा यूज़र हो तो व्हाट्सएप में ये फीचर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बीटा यूज़र नहीं हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीटा ज्वाइन लिंक दिया है, वहाँ से बीटा ज्वाइन करके व्हाट्सएप में ये फीचर को यूज़ कर पाओगे। आने वाले डेज में जो भी नए नए फीचर्स आएंगे वो सबसे पहले व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये बीटा ज्वाइन करना नहीं चाहती हो, कुछ दिन वेट करना है, फिर प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को एक बार अपडेट कर लीजिए और आपके व्हाट्सएप में भी पोल ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको व्हाट्सएप की ये नया अपडेट जरूर से पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।